नमस्कार, ग्रीटिंग्स ऑफ समीर मलिक खाटिया फाउंडेशन फंड। मैं हूं डॉक्टर के अग्रवाल। मेरे साथ में है अरुणा जी, शोमा जी और पेशेंट है सफीना, 8 महीने की बच्ची जिसके बड़ा हार्ट में एक बड़ा होल था जिसे वीएसडी बोलते हैं और साथ में पीडीए था, मस्कुलर वीएसडी, पेरिमेम्ब्रेनस प्लस मस्कुलर वीएसडी, और बच्चे का हार्ट एनलार्ज होना चालू हो गया था, सर्जरी करनी जरूरी थी। फादर बिजली का काम करते हैं, लेबरर है, नोएडा में रहते हैं, झुग्गी में रहते हैं, 3 बच्चे हैं, एक डॉटर है और एक सन है, वाइफ हाउस वाइफ है, और प्राइवेट अस्पताल में इनको 3.5 से 4 लाख का बजट मिला, अफोर्ड नहीं कर सकते। जिनका कोई नहीं उसका समीर मलिक हार्ट केयर फाउंडेशन फंड, जो हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है, ये हमारे पास में आए और हम लोगों ने इसको अडॉप्ट किया, इन एसोसिएशन विद मेदांता हॉस्पिटल डॉक्टर नरेश त्रिहान के पास भेजा और हम लोगों ने इसको अडॉप्ट करके इसकी सर्जरी करा के दी। और आज बच्ची सर्जरी करा के आई है, हार्ट के होल को बंद कर दिया गया है और जो एक्स्ट्रा कनेक्शन था जिसे पीडीए बोलते हैं उसे बंद कर दिया गया है। अब ये बच्ची बिल्कुल ठीक है और आगे जाके एक नॉर्मल जिंदगी जिएगी। इस प्रोग्राम को अगर कोई भी देख रहा है पूरे इंडिया में, अगर ऐसा कोई बच्चा या बच्ची आपको नजर में आता है जिसको हार्ट की तकलीफ है और हार्ट की सर्जरी होने से वो बच्चा बच सकता है और अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हमारे पास में वो कॉन्टेक्ट कर सकता है। हमारी वेबसाइट के अंदर में जाके, गूगल में जाके हमारे नाम को डाले तो उसको हमारा एड्रेस मिल सकता है। ऐसे बच्चों का बहुत संस्थाएं काम कर रही हैं, आयुष्मान भारत में भी, भारत सरकार भी इसके लिए स्कीम्स लेकर आई है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका कोई नहीं, और जिनका कोई नहीं उनका समीर मलिक हार्ट केयर फाउंडेशन फंड। आप कुछ बोलना चाहेंगे जी? आप लोग किसान शुक्र गुजार है जो हमारे बच्चे की इलाज यहाँ पे हो गया, और इसलिए थैंक्स बोलना चाहेंगे हम। हमने आपकी हेल्प तो करी और आप भी जिंदगी के अंदर में एक ही काम करिए, जब भी कोई दूसरा गरीब आदमी आपको मिले उसकी हेल्प करो, किसी को खाना खिलाओ, किसी को पढ़ाओ, किसी को लिखाओ। समझ में आया जी? क्या? और इसको बढ़ाओ के अच्छे अच्छे इंसान बनाना, और आप लोग भी लोगों की मदद करना सीखो जी। कितना पढ़ी हो तुम? 5 तक पढ़ी हो। क्या करती हो, क्या सीख क्या सिलाई करती हो? कुछ भी नहीं, गरीब है। घर में खाना बनाती हो? तो घर में किसी एक आस पड़ोस के बच्चे को खाना बनाना सिखाओ, ठीक है? आप क्या करते हो? तो आप सब लोग जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैसेज यही है कि लोगों की हेल्प करना सीखो। हर आदमी कभी ना कभी नीडी होता है, जरूरत नहीं, कब किसको जरूरत पड़ जाए हेल्प की, हेल्प करना सीखो, यही हमारा उद्देश्य है। थैंक यू।